नहीं होते हैं उनको निकाल दिया जाता है स्प्लाइसिंग टेक्निक के थ्रू, और एक्सॉन जो कि कोडिंग पार्ट है वो एमेच्योर आरएनए में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, सूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? जो माइटोटिक सेल डिवीजन है उसमें किस अवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? माइटोटिक सेल डिवीजन यानी कि माइटोसिस को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज इसकी पहली अवस्था है जिसमें जो क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होने के बाद वो अगले फेज की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसको मेटाफेज बोलते हैं। प्रोफेज के बाद मेटाफेज आते हैं। तो पूछा गया कि सूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए जो जो कन्फ्यूजन है वो है कि कहीं कहीं पर इसका आंसर ए प्रोफेज दिया गया और कहीं कहीं पर इसका आंसर टीलोफेज दिया गया, क्योंकि बेसिकली में टीलोफेज में क्रोमोसोम्स जो हैं दो अलग अलग पोल की तरफ डिवाइड होकर पहुँच जाते हैं, और प्रोफेज में जो क्रोमेटिन फाइबर हैं वो अपनी पहचान खो देते हैं और क्रोमेटिन फाइबर ही क्रोमोसोम में के रूप में हमको दिखाई देते हैं। तो इस हिसाब से तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है प्रोफेज होना चाहिए। प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र होते हैं वो अपनी पहचान खो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस प्रावस्था में तैयार किया जाता है, कि फिर से वही एक क्वेश्चन है लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया है। चार अवस्थाएं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या को काउंट किया जा सकता है, उनके साइज़ को देखा जा सकता है, उनके आकार को देखा जा सकता है। तो यही वो अवस्था होती है जहाँ पर क्रोमोसोम्स का जो कैरियोटाइप है उसको तैयार किया जा सकता है। तो इस ये क्वेश्चन के जो चार ऑप्शन है वो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्वेश्चन नंबर 102 का जो सही आंसर है वो है बी यानी कि मेटाफेज। क्वेश्चन 103 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है? ऑप्शन नाइट्रोकोकस है, नाइट्रोबैक्टर है, ए और बी दोनों हैं या दोनों में से कोई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस अमोनिया इनटू नाइट्राइट? तो इसमें जो दो ऑप्शन दिए गए नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर दोनों ही ये काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का 103 का सही जो आंसर है वो है सी यानी कि ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया निम्न में से कौन सा तत्व रुबिस्को का कोफैक्टर है, यानी कि जो रुबिस्को को एंजाइम है इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम या फिर मोलिब्डेनम। इसका आंसर सही है मैग्नीशियम, एमजी जो है रुबिस्को का एंजाइम का कोफैक्टर। कोफैक्टर बेसिकली नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं किसी भी एंजाइम का। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 105, प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में निम्न में से किसके इलेक्ट्रॉन NADP को अपचयित करते हैं? ड्यूरिंग द जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ विच ऑफ दीज रिड्यूस NADP? फोटोसिस्टम फर्स्ट, वाटर, CO2 या फोटोसिस्टम सेकेंड? किस क्वेश्चन का सही जवाब है? वाटर। वाटर के जो जब जब स्प्लिट होता है तो उससे ऑक्सीजन रिलीज होती है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन जो है जेड स्कीम के थ्रू NADP इसको एक्सेप्ट करता है और NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि रिड्यूस हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जल यानी कि H2O। 106 में पूछा गया है C4 चक्र में यानी C4 साइकिल में CO2 का ग्राही कौन होता है, CO2 को कौन एक्सेप्ट करता है? RUBP, PEP मतलब फास्फो इनाइल पाइरोवेट, PGA मतलब फास्फो ग्लिसरिक एसिड या फिर मैलिक एसिड। 106 में जो पूछा गया है इस क्वेश्चन का सही जवाब है PEP, फॉस्फो इनॉल पाइरोवेट। ये CO2 को एक्सेप्ट करता है C4 साइकिल में। 107 में पूछा गया है कि यीस्ट कोशिका में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP उत्पन्न होते हैं? 4 ATP, 36 यानी कि 36 ATP, 2 ATP या नन ऑफ दीज? यीस्ट सेल में जो नेट ATP प्रोडक्शन होता है, जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और बाद में एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें जो टोटल ATP रिलीज होते हैं वो है 2।
कितने 280 पे रिलीज़ होते हैं। 108 में पूछा गया वायवीय श्वसन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही कौन है, जल है, आणविक O2 का मतलब मोलिकुलर ऑक्सीजन है, साइटोक्रोम A3 है या FMN है। फाइनल एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इस क्वेश्चन को जो सही आंसर है वो है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन को अंतिम रूप से कौन एक्सेप्ट करता है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एक्सेप्ट करते हैं। किसमें? वायवीय श्वसन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ बढ़ते हैं। किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है, मतलब नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ दीज प्लांट स्ट्रक्चर? रूट जाइलम में यानी मूल जाइलम, स्तंभ का मतलब होता है स्टेम जाइलम, पर्ण का मतलब होता है पत्ती में जो होता है जाइलम, और मूल पित्त यानी कि रूट पित्त में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टेम जाइलम। स्टेम जाइलम में नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल देखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा खनिज रक्ष कोशिका यानी कि गार्ड सेल्स में जल विभव का नियंत्रण करता है? विच मिनरल मेनरी रेगुलेट्स द वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर कैल्शियम? इस क्वेश्चन का आंसर है पोटेशियम। तो पोटेशियम वो एलिमेंट है जो कि गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन 111, गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन डीप सी वाटर कैन बी सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, जल विद्युत, हाइड्रो पावर, हाइड्रोथर्मल वेंट या फिर जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स? इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए, हाइड्रोथर्मल वेंट, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो बहुत ज़्यादा गहरे पानी में पहुंच नहीं पाता है, तो ऐसे में इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए हाइड्रो थर्मल वेंट। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स की जो राय है इस क्वेश्चन का आंसर ए भी हो सकता है, सूर्य का प्रकाश, लेकिन मेरे हिसाब से तो इतनी गहरे पानी में समुद्र का प्रकाश तो एक गहराई के बाद वहाँ पहुँच नहीं पाता है, तो वो ऊर्जा कैसे प्रदान करेगा? फिर भी आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए गूगल में सर्च कर सकते हैं इसको एक बार सही आंसर। 112 में पूछा गया है नेपेंथीस खासियाना क्या है? चार ऑप्शन दिए हैं, प्राथमिक उत्पाद एवं प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पाद प्रोड्यूसर होते हैं और उपभोक्ता कंज्यूमर होते हैं, प्राथमिक का मतलब प्राइमरी, द्वितीय का मतलब सेकेंडरी, मांसाहारी कार्निवोर्स होते हैं। तो इसमें जो सही जवाब पूछा गया है नेपेंथीस खासियाना प्राइमरी कार्निवोरस है और प्राइमरी प्रोड्यूसर भी है। नेपेंथीस खासियाना प्राइमरी प्रोड्यूसर भी है और प्राइमरी कार्निवोरस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, इसमें पूछा गया है कि कौन सा शैवाल समुद्र के पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? लाल शैवाल यानी रेड एल्गी, ब्राउन शैवाल भूरी एल्गी, हरे शैवाल ग्रीन एल्गी, सुनहरी शैवाल का मतलब है गोल्डन एल्गी। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है रेड एल्गी, यानी कि जो रोडोफाइसी ग्रुप में एल्गी आती है उस सारी की सारी को रेड एल्गी बोलते हैं, और समुद्र में बहुत गहरे पानी तक ये नीचे जाकर मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा गया यदि RQ का मान 0.7 हो तो श्वसन आधारित पदार्थ क्या होगा? RQ होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जो कि कैलकुलेट किया जाता है कि कितना CO2 रिलीज़ हुआ और कितना उसके बदले में ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज कोई कार्बोहाइड्रेट यूज़ किया जा रहा है तो उसका जो RQ होता है वो 1 होता है। अगर प्रोटीन सबस्ट्रेट है जिसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है तो उसका जो RQ है वो 0.9 के बराबर होता है। जो फैट्स होते हैं उनमें 0.7 होता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि अगर RQ 0.7 हो तो भाई जो सबस्ट्रेट है वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी कि वसा होगा, कार्बोनिक एसिड होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वसा यानी कि फैट। तो ध्यान रखिए अगर 1 लिखा है तो कार्बोहाइड्रेट है, 0.7 लिखा है तो वो फैट है, 0.9 के आसपास है तो वो प्रोटीन है सबस्ट्रेट, और 1 से ज़्यादा है तो वो यानी कि सबस्ट्रेट जो है वो है एक कोई ऑर्गेनिक एसिड है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है
बी 115 में पूछा गया है कि इनमें से किसका पाचन मुख गुहा में नहीं होता। मुख गुहा मीन्स बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में किसका पाचन यानी कि डाइजेशन नहीं होता है, ग्लूकोज का, प्रोटीन का, वसी अम्ल यानी कि फैटी एसिड्स का, यस इन सभी में से किसी का भी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ए ग्लूकोज का डाइजेशन मुख गुहा में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 115 को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। इनमें से किसका पाचन मुख गुहा में नहीं होता है, बक्कल कैविटी में किसका पाचन नहीं होता भाई। चार ऑप्शन दिए हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन, वसी अम्ल, फैटी एसिड या ये सभी। तो इस तरीके से देखा जाए ग्लूकोज प्रोटीन तो का डाइजेशन तो स्टमक में होता है, वसी अम्ल यानी फैटी एसिड्स भी जो बाइल है उसके प्रेजेंस में इमल्सिफाई होते हैं। ग्लूकोज एक सही ऑप्शन हो सकता है जिसका बक्कल कैविटी में डाइजेशन शुरू होता है। तो इस हिसाब से कोई इस क्वेश्चन के सभी आंसर बड़ा कंफ्यूजिंग है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 क्लोराइड शिफ्ट किससे संबंधित है, ब्लड में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से या ब्लड में CO2 के ट्रांसपोर्ट से, फुसफुस यानी कि लंग्स में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से या हवा में CO2 के परिवहन से। क्लोराइड शिफ्ट बेसिकली रक्त में CO2 के ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म जो है वो CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड ऑप्शन बी से संबंधित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 117 एक कोशिका में वसी अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि क्या है, केल्विन साइकिल है, PPP है, बीटा ऑक्सीडेशन है या EMP है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीटा ऑक्सीडेशन। जो फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है सेल्स में वो बेसिकली एक बीटा ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद कर लीजिए अगर पूछा जाए तो किसी सेल में फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है उसको बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्वेश्चन हम 118 मनुष्य के शरीर में हमें अपध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिलते हैं, वेयर कैन वी फाइंड अ पोलर न्यूरॉन इन ह्यूमन बॉडी। रेटिना की एमेक्राइन कोशिकाओं में, स्पाइनल रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के, रूट गैंग्लियन में पाए जाते हैं या स्पाइनल कॉर्ड यानी ऑप्टिक तंत्रिका में पाए जाते हैं या इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर 118 का जो सही आंसर है वो ए यानी कि अपोलर न्यूरॉन जो होते हैं वो रेटिना की एमेक्राइन सेल्स में पाए जाते हैं। 119 में पूछा गया है कि एक आवेग संचरण के दौरान एक्सॉन कला का विध्रुवीकरण यानी कि डीपोलराइजेशन किस कारण होता है, पोटेशियम आयन के तीव्र गति से बाहर की तरफ जाने में या उन आयन्स के अंदर की तरफ आने में, सोडियम आयन बाहर मूव करते तब या सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी यानी कि जब इम्पल्स किसी नर्व में ट्रैवल करता है और उसके शुरू होने से पहले जब वो रेस्टिंग स्टेज में होता है तो सोडियम आयन बाहर की तरफ मूव करते हैं, पोटेशियम आयन अंदर की मूव करते हैं। जैसे ही कोई इसको इम्पल्स मिलता है तुरंत ये प्रोसेस उल्टा शुरू हो जाता है यानी कि सोडियम आयन बाहर की अंदर की तरफ मूव करने लगते हैं और पोटेशियम आयन बाहर की तरफ मूव करने लगते हैं। इसी प्रोसेस को डीपोलराइजेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का 119 का सही जवाब है सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव करने लगते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 120 आंतरिक कर्ण में अर्धचक्रीय नलिकाएं, अर्धचक्रीय नलिकाएं होती हैं सेमी सर्कुलर कैनल्स। आंतरिक कर्ण का मतलब है इंटरनल ईयर किससे संबंधित है, सुनने से, शरीर के बैलेंस यानी कि संतुलन से, श्रव्य तरंगों को एकत्रित करने में यानी कि साउंड वेव्स को कलेक्ट करने में या फिर श्रव्य तरंगों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी बॉडी बैलेंसिंग के काम आते हैं। जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं इंटरनल ईयर में पाई जाती हैं वो बॉडी बैलेंस से संबंधित है, शरीर के बैलेंस को नियंत्रण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 121 ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था 2013 में, दोबारा से फिर से पूछा गया है। एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है, हृदय चक्र का मतलब है कार्डियक साइकिल। तो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में कार्डिक साइकिल की अवधि कितनी होती है, 72 सेकंड, 0.7 सेकंड, 0.8 सेकंड, 1.2 सेकंड। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय लगभग 72 बार 1 मिनट में बीट करता है यानी 72
बार एक मिनट में बीट करता है, और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो अगर 60 को 72 से डिवाइड किया जाए तो लगभग आता है 0.8 सेकेंड। कितना आता है? 0.8 सेकेंड। तो जो कार्डियक साइकिल है, यानी कि दो साउंड्स के बीच में जो हमें दो साउंड सुनाई पड़ते हैं हार्ट बीट में, तो उनके बीच का जो गैप टाइम है वो लगभग 0.8 सेकेंड होता है, उसी को कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है सी, यानी कि 0.8 सेकेंड। 122, जल तथा सोडियम का पुनर्वशोषण एक साथ होता है। पुनर्वशोषण का मतलब होता है रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि किडनी के नेफ्रॉन में वो कौन सा पार्ट है जिसमें सोडियम और वाटर दोनों का रीअब्जॉर्प्शन एक साथ होने लगता है? बोमेन कैप्सूल में, पीसीटी में, डीसीटी में, या लूप ऑफ हेनले के जो आरओई सिरा यानी कि असेंडिंग लूप है, किस में होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है पीसीटी। पीसीटी को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी को बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हेनले के दो हिस्से होते हैं, असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप, और बोमेन कैप्सूल जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस जगह पर सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन एक साथ होता है। 123 में पूछा कि एक्रोमियन प्रवर्ध किसका भाग है? एक्रोमियन प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? क्लेविकल बोन, ये ए में यहाँ पर क्लेविकल अस्थि होना चाहिए, ह्यूमरस का है, स्कैपुला का है, श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला क्वेश्चन नंबर 123 इसका सही ऑप्शन है स्कैपुला। एक्रोमिनियम प्रोसेस स्कैपुला का पार्ट है, और स्कैपुला बोन जो है बेसिकली कंधे की बोन होती है। इसमें दो बोन्स होती हैं, स्कैपुला और क्लेविकल, और दोनों को मिलाकर इसको बोला जाता है पेक्टोरल गर्डल, और पेल्विक गर्डल जो कमर की हड्डियाँ होती हैं इसको श्रोणि मेखला बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए, यानी कि क्लेविकल बोन। 124 पेशिकीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई है, द फंक्शन यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ए बैंड है, मायोफाइब्रिल है, सार्कोमियर है, या मायोफाइबर है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी, मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है एक मसल फाइबर की, यानी कि यही वो यूनिट है जिस पर एक्चुअल मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इस क्वेश्चन पेपर का 125, पादप जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को किस में रखा गया? जो आर एच विटकर का 169 में दिया हुआ क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 में बांटा गया है। इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट, तो उसके अनुसार जो प्रोटोजोअंस हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए, प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, एनिमिलिया। तो इसमें जो सही आंसर है वो है प्रोटिस्टा। मोनेरा में सभी बैक्टीरिया को रखा गया है, कवक में सारे फंजाई फंगस को, और एनिमिलिया में सारे तरीके के एनिमल्स को रखा गया है। तो ये था यूपी टीजीटी 2013 का क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपके पास कोई भी किसी तरीके का आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं जिससे इस वीडियो की क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सकें और इसमें बेहतर चीज़ें जोड़ सकें, या कोई किसी तरीके का आप कोई भी सुझाव, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको ज़रूर शेयर करके हमें बताएँ, ताकि इस वीडियो की क्वालिटी को हम और इम्प्रूव कर सकें। तो आप इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, मैं फिर हाजिर हूँगा आपके लिए, आपकी सहायता के लिए, एक और यूपी टीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।